అస్సలాము అలైకుం. చాప్టర్ నంబర్ 13 హమ్ లోగ్ కల్ కర్ రహే థే, ఉస్మే హమ్నే తీన్ డెఫినేషన్స్ పడి థి, ఇన్ సర్కల్, సర్కమ్ సర్కల్ ఔర్ ఈ సర్కల్. ఆజ్ హమ్ ఉస్కు పడ్నే సెంటర్స్, వాట్ ఇస్ ఇన్ సెంటర్. इन सेंटर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, चैप्टर नंबर 17 में 17.1 एक्सरसाइज है, उसके नीचे डेफिनेशन लिखी हुई थी इन सेंटर की. इन सेंटर क्या होता था? ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसके तीन एंगल है, जिस पॉइंट पे तीनों एंगल बाई सेक्टर आपस में मिलते थे उसे कहा जाता था इन सेंटर. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू आर ऑल द थ्री एंगल बाई सेक्टर्स is called in center. Droni Markaz ya Masoor Markaz. Aisa nukta जहां दो या तीनों जावियों के नासब जहां मुसलस के लिखे मुसलस के दो या तीनों जावियों के नासब आपस में मिलते हैं मैसूर या अंदरूनी मरकज कहलाता है. जैसे डायग्राम बनाएंगे, जब आप इसका सर्कल बनाएंगे तो ऐसा बनेगा. इसका जो रेडियस होता है उसे हम कहते हैं इन रेडियस. रेडियस ऑफ इन सर्कल इज कॉल्ड इन रेडियस. इन रेडियस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन in center to any vertex. In figure OA equals to OB equals to OC equals to R. Radius is in radius. Distance between in center to any vertex is called in center. In radius. उसके बाद आता है सर्कम सर्कल का. सर्कम सर्कल का जो रेडियस होगा उसे हम क्या कहेंगे? सर्कम रेडियस कहेंगे. और जो उसका सेंटर था उसे क्या कहेंगे? सर्कम सेंटर कहेंगे. तो सर्कम सेंटर की डेफिनेशन देखते हैं. सर्कम सेंटर मुहासरा मरकज. इसमें ऐसे डायग्राम होगी, ट्रायंगल एबीसी. ये भी आप लोग 9th में पढ़ चुके हो. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू आर या फिर ऑल द थ्री राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कमसेंटर. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
bisectors. Right bisector भी कह सकते हो, perpendicular bisector भी कह सकते हो. Right bisectors of sides of triangle. Is called circumcenter. ये आपने definitions note करनी है book पे कर रहे हैं इनको, क्योंकि आपने ninth में पढ़ी हुई थी, उसने यहाँ पे definition नहीं लिखी, उसने सिर्फ यही बताया होगा center of circumcircle is called circumcenter. तो ये उसकी definition नहीं है, ये है उसकी definition. ऐसा नुकता जहां मुसल्लस के तीनों अज़ला के अमूदी नासर आपस में मिलते हैं, मुआसरा मरकज कहलाता है. ऐसे और इसका जो सेंटर होगा उसे हम क्या कहेंगे, सर्कम सेंटर. बल्कि मुझसे एक मिस्टेक हुई है, आपने जो इन रेडियस की डेफिनेशन मैंने लिखवाई है आपको, ये ऐसे बनता है इन सर्कल. तो ये इन सेंटर वो था, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं इन रेडियस. ये इन रेडियस तो ये आपने प्रेक्शन कर लेनी है इन रेडियस की. उसके बाद आता है ये वाला सर्कम सेंटर, इसका जो रेडियस होगा उसे हम क्या कहेंगे, सर्कम रेडियस. रेडियस ऑफ सर्कम सेंटर इज कॉल्ड सर्कम रेडियस. और वो क्या होता था, ये आपने कल बनाया था, ये सर्कम सर्कल था, इसके राइट बाई सेक्टर हैं, ये हमारे पास सर्कम सेंटर है. सर्कम सेंटर से किसी भी वर्टेक्स जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं सर्कम रेडियस. डिस्टेंस बिटवीन, सर दूसरा मार्कर यूज करें, सर्कम सेंटर टू any vertex of triangle is called circumradius. Book में simple ऐसे दिया हुआ है, radius of circumcircle is called circumradius. तो आपको वैसे पता होना चाहिए. उसके बाद आता है ई सर्कल का, ई सर्कल का जो सेंटर होगा उसे आप क्या कहोगे, ई सेंटर या एस्क्राइब्ड सेंटर. और उसका जो रेडियस होगा उसे क्या कहोगे, एस्क्राइब्ड रेडियस कहोगे. ई सेंटर कल आपने डायग्राम ऐसे मैंने बनाई थी, सर्कल है, एक साइड को क्या करता है, एक्सटर्नली टच करता है, और दो साइड को क्या करेगा, इंटरनली टच करेगा. अब इसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, जहां पर आपस में मिलते हैं. आपकी बुक में इसको नाम दिया गया आई से या ओ से, किसी भी चीज से आप इसे डिनोट कर सकते हो.
क्या हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंड टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड पी सेंटर। फाइव आंसर्स में इसको डिनोट किया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंड टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड ई सेंटर। ऐसा नुक्ता जहां मुसल्लस का एक अंदरूनी और दो जहां मुसल्लस का एक अंदरूनी और दो बैरूनी जावियों के नासिक आपस में मिलते हैं जानवी मरकस कहलाता है और उसे उसने डिनोट किया आई सी। और इसका जो सेंटर होगा उसे हम क्या कहेंगे ई सेंटर। रेडियस जो होगा उसे क्या कहेंगे ई रेडियस। उसके बाद टेंजेंट्स हैं उसमें आपके बुक में दिए हुए हैं दो केसेस हैं टेंजेंट के दो डिसजॉइंट सर्कल्स हैं हमारे पास इस पर आप टोटल कितने टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हो कॉमन टेंजेंट्स ये देखिए दोनों सर्कल्स के सेंटर्स हैं ओ डैश सेंटर्स को आपस में जो लाइन ज्वाइन करेगी अगर तो हमारे पास टेंजेंट लाई करेगा पूरे का पूरा सेंट्रल लाइन से अबव या बिलो मतलब जो सेंट्रल लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करेगा किसी भी पॉइंट पे उन्हें कहा जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। दो टाइप्स के टेंजेंट हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वो कौन से होते हैं डज नॉट इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ सर्कल्स। ऐसी टेंजेंट्स यहां लिख सकते हो टेंजेंट्स दोस डू नॉट इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ सर्कल। अब ये देखें एक टेंजेंट ये है इसे हम पी क्यू कह देते हैं इसे कहते हैं पी डैश क्यू डैश ये दोनों के दोनों सेंट्रल लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। उर्दू वाले इसको कहते हैं रास्त मुश्तरक मास ऐसा मास या टेंजेंट जो सेंट्रल
सेंटर्स को मिलाने वाला एक कता है खत को कता नहीं करता, उन्हें कहा जाता है राष्ट्र मुशरक मनास। और दूसरे होते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स, उर्दू वाला इसको लिखे माकूस मुश्तरक ममास। वो कौन से होते हैं ये देखिए आप, ये आपने टेंजेंट ड्रा किया, इस सर्कल को भी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसको भी एक पर। उसके बाद फिर आपने ये टेंजेंट ड्रा किया, इससे मैं नाम दे देता हूँ L1 L2। ये दो लाइंस हैं, ये क्या कर रही हैं, सेंट्रल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट। अब ऐसे टेंजेंट जो सेंट्रल लाइन को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उन्हें कहा जाएगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। तो यहाँ लिखो टेंजेंट्स दोस इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ सर्कल आर कॉल्ड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। ऐसे मुश्तरक नुमास जो दायरों के मराकस को मिलाने वाले कताए खत को कता करते हैं, कता करते हैं, कता करने का मतलब होता है इंटरसेक्ट करना, माकूस मुश्तरक मास कहलाते हैं। इसमें क्या होगा, आधा टेंजेंट इससे ऊपर होगा नीचे होगा, और जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसमें पूरे का पूरा या इस लाइन से ऊपर होगा या सारा नीचे होगा, इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आप देखेंगे जो डिसजॉइंट का केस है, वन सर्कल आर डिसजॉइंट गैर मुश्तरक दायरे, अलग अलग दायरे, तो आप इससे नोट करें टोटल टेंजेंट कितने हैं, एक दो, इससे मैं नाम दे दूं थ्री का, और इसे हम नाम दे देते हैं फोर। ये एमसीक्यूज हैं इसके, टोटल टेंजेंट्स फोर, गैर मुश्तरक दायरों के चार टेंजेंट्स हैं, डायरेक्ट कितने हैं दो डायरेक्ट हैं, और ट्रांसवर्स कितने हैं, ट्रांसवर्स भी दो हैं। फिर जब आप ड्रा करते हो टचिंग सर्कल्स को, उसके कितने हमारे पास टेंजेंट्स आएंगे, ये हमारे पास टचिंग सर्कल है ओ डैश ये पहला टेंजेंट आया, मैं इसे L1 कह देता हूं, ये दूसरा टेंजेंट आया इसे L2, और ये सेंट्रल लाइन है, ये दोनों सेंट्रल लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो डायरेक्ट कितने हो गए 2, और ट्रांसवर्स देखते हैं ये L3, तो ट्रांसवर्स हमारे पास है 1, तो टोटल कितने हो गए 3। अब ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, एमसीक्यूज आप इसके अब खुद सॉल्व करें, एक आधा एमसीक्यूज आपसे नहीं होगा वो मैं इंशाल्लाह कल करवा दूंगा। अल्लाह हाफिज़।